भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह की शुरुआत बोधगया में सुबह 7 बजे शोभा यात्रा के साथ हुआ। यह यात्रा भगवान बुद्ध के 80 फीट मूर्ति में महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। देश के विभिन्न राज्यों सहित कई देशों से आए हुए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से पूरा बोधगया गुंजायमान हुआ। भगवान बुद्ध की जयंती समारोह की शुरुआत बोधगया में सुबह 7 बजे शोभा यात्रा के साथ हुई। तस्वीरों के आप माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से देश कोने से बौद्ध भिक्षु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से पूरा बोधगया गुंजायमान हुआ। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ी है शोभा यात्रा में। महाबोधि महाविहार से लेकर 2766 बुद्ध जयंती मनाने के लिए आया है। भगवान बुद्ध का धरती पर अनेक देश का माने पूरा जो श्रीलंका से लेकर थाईलैंड बर्मा वियतनाम तिब्बत लाओस कोरिया चाइना इंडिया से इस साल बहुत सारा लोग शामिल हो गया है। बहुत आदमी भी आया हुआ है, लगभग 5-6 हज़ार आदमी तो हो जाएगा। तो लोकल सब भी साथ दे रहा है, स्कूल का बच्चा सब भी साथ दे रहा है। तो सबका शांति हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, विश्व में शांति हो, ये कामना करते हुए हम लोग ये रिलीफ प्रोसेशन निकल रहा है। बूटी बीच का नीचे में हम लोग प्रार्थना करेंगे सबके अच्छा के लिए, मंगल कामना करते हुए। सेलिब्रेशन हो रहा है, सही वर्ल्ड वाइड हो रहा है ना, ये कुछ बैसाख बोट है। 2 साल के गैप के बाद हम लोग इस बार अभी शुरू हुआ है। अभी 8 पीस के चीज लेकर हम लोग प्रोसेशन में अभी आगे मंदिर था, उसके बाद अंदर मंदिर हम लोग सेरेमनी है। अंदर बुद्ध थ्री इसमें हमारा गवर्नर